सो हेलो एवरीवन, पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा था जिससे वीडियोस नहीं आ रही थी। फाइनली वो चीज़ प्रिपेयर हो चुकी है आप लोग सभी लोगों के लिए, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो 30% सिलेबस डिडक्शन के बाद डाले हैं, ठीक है। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, चीज़ों को समझ लो उसके बाद डाउनलोड करना। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर पेपर के सभी क्वेश्चन है, मतलब हर एक चैप्टर का आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा। पिछले 10 साल 12 साल जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो भी कौन से, जो नए सिलेबस पे, मतलब इस साल जो आने वाले, क्योंकि इस साल आपको पता है कि 30% सिलेबस डिडक्ट हो चुका है। आप कहीं से भी मार्केट में किताब लेते हैं तो उसमें अगर जो प्रीवियस ईयर आप देखते हैं उन्होंने चेंज नहीं किया है, वो हूबहू पिछले जो भी सिलेबस रहते थे उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन मैंने बहुत सारे सर्च करके कई चीज़ें कई जगह से उठा के आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो इस साल आपको आने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आपको इंडेक्स मिल जाएगा कि कौन से पेज पर क्या चीज़ें हैं। हर एक चैप्टर को मैंने लिखा है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर AP, फिर ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 मैंने ऊपर हर एक चीज़ दिखा दी है कि इस साल चैप्टर से क्या डिलीट हुआ है और उसको आपको नहीं पढ़ना है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको चैप्टर नंबर 1 में नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसको प्रॉपर मैंने आपके सामने लिख के दिया है, आप डाउनलोड करेंगे उसको प्रिंट करवा लेना, बहुत अच्छे से पढ़ने में समझ में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पूरा मैंने डाला है, हर एक देखो, CBSE 2020, CBSE 2015, CBSE 2015 08, हर एक चीज़, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आप जिस भी चैप्टर को उठाओगे वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी चीज़ें। शुरुआत में यहाँ पे लिखा रहेगा डिलीटेड सिलेबस, जो आपको नहीं पढ़ना है, जहाँ पे डिलीट नहीं हुआ होगा वो चीज़ मैंने हटा दी है पहले से ही, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में 2 चीज़ें हटाई गई हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, सिर्फ प्रूफ ऑफ थ्योरम हटाया गया है, बाकी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि नहीं, तो यार देखो मैंने सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया है, उसका एक कारण है, पहले इसको देख लो समझ लो तो मैं बताता हूँ कि आपको मैंने सॉल्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड किया है। तो यार देखो चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, सारे अच्छे सवाल जो पिछले साल पूछे गए हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है क्या करना है पहले वीडियो पूरा देखो समझो। चैप्टर नंबर 9 देखो मैंने आपके लिए मेहनत किया है, तो यार मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे और उन दोस्तों तक शेयर करोगे जिनको प्रॉब्लम है, जो इतने एबल नहीं है कि बुक नई नई मार्केट से खरीद सकें, उनको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, अच्छा कर सके, अच्छा स्कोर कर सके। हर एक चैप्टर है यहाँ पे, आपको कुछ भी मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास NCERT है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता रहेंगे तभी आपको आइडिया रहेगा कि आपका पेपर किस तरह से आपके पास आने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो तब होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस PDF की, आराम से डाउनलोड कर लो, कुछ भी नहीं मांगेगा, ओपन करोगे डाउनलोड की लिंक आएगी, गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, आराम से डाउनलोड कर लेना। वो बच्चे जिनको और भी प्रॉब्लम है कि वो मार्केट से उसको प्रिंट नहीं करवा सकते, अपने मोबाइल में ही पढ़ लेना, बट अगर प्रिंट करवा लेते हो मुश्किल से 30 से 35 पेज है, अगर 2 रुपये या 3 रुपये पेज भी अगर कोई बंदा लेता है तो 100 रुपये में आपका हो जाएगा। अगर नहीं हो पता है तो मोबाइल से ही पढ़ लो, लैपटॉप है तो लैपटॉप से पढ़ लो, भैया दीदी का किसी का होगा ही होगा, ठीक है। तो यार देख लो चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया, देखो पूरा पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा है ताकि उन बच्चों को दिक्कत ना हो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि उन्हें बुक खरीदनी होगी। तो यार कुछ मेहनत किया हो तो आप लोग भी इसको लाइक करिएगा, जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए, अपने क्लास के दोस्तों का एक ग्रुप होगा ना, उनको प्रोवाइड जरूर करना, इस वीडियो की लिंक भेजना, वो खुद ब खुद देखेंगे और ड्राइव को डाउनलोड करेंगे और उनको भी फायदा होगा। मेरी मेरी कोशिश यही है कि उन बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचें जो एबल नहीं है कि खरीद सकें और उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, ठीक है। आपको पता ही है कि हम लोग जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं आपके फायदे के लिए करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो कि आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है, इसे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो यार देखो लास्ट मैंने पेज पे कुछ लिखा है, दिस ऑल क्वेश्चन प्रिपेयर्ड फॉर योर हेल्प, आपके मदद के लिए मैंने किया है सब कुछ, ठीक
इट विल हेल्प यू टू गुड स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। आप अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो हम लोग और भी सब्जेक्ट की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे आपको, साइंस की, SST की, हिंदी की, इंग्लिश की, ताकि आप हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करें। ये किस पर बेस्ड है? आप कितना हमें सपोर्ट करते हैं, आप कितना इस वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों तक चीज़ें पहुंचती हैं। जब आप लोग प्यार दिखाते हैं, आप लोगों का इंटरेक्शन दिखता है, तो हम लोगों को भी काम करने का मन करता है। बस और कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है कि हम लोग फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए चला रहे हैं। वो बच्चे जिनको लगता है कि वो कोई कोचिंग में फीस नहीं दे सकते हैं, उनको कोई मेंटर, कोई गाइडेंस प्रोवाइड करे, कोई भी दिक्कत आती है, उसकी हेल्प चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप। आप जब चाहे तब मुझसे, प्रतीक सर से, कुणाल सर से, सौरभ सर से, सूरज सर से, किसी भी से भी बात कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है उसको पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग हमेशा आपकी हेल्प के लिए हमेशा यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं कि भैया आपने सॉल्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड किया। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको आगे आने की कोई भी चीज़ जरूरत, जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको मिल सके। दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन देखो यार, मैंने इसलिए नहीं प्रोवाइड किए हैं क्योंकि आपका है बोर्ड एग्जाम। आपको अगर सॉल्यूशन सामने मिल जाएगा तो आप मेहनत नहीं करोगे। इस क्वेश्चन पेपर को करने का तरीका पहले समझ लो। तरीका ये है, अगर मान लीजिए आपने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर उठाया, उससे NCERT से कॉन्सेप्ट पढ़े, और वो कॉन्सेप्ट जो इस साल के सिलेबस में आने वाले हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट पढ़ा, NCERT का एग्जाम्पल लगाया, NCERT की एक्सरसाइज लगाई, कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर कंप्लीट, अब आपको चेक करना है कि आपने कितना सीखा, आपको कितना आ रहा है। तो कैसे चेक करोगे? यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और सारे क्वेश्चन अपने से अटेम्प्ट करना। किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको सॉल्यूशन लिख के, अगर आप कहोगे भैया नहीं समझ में, वॉइस रिकॉर्ड करके, अगर कहोगे भैया अभी भी नहीं समझ में, वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन पहले उसके आपको मेहनत करना होगा। मेहनत करने के लिए मैंने सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया है, क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर देता, आप मेहनत नहीं करते, चीज़ों को देखते, डाउनलोड करते और रख लेते। नहीं, अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन रहेगा तो आप उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। और मेक श्योर जब आपसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगने लगेंगे, तब जानना कि आपको बोर्ड में मैथ में 80 out of 80 कोई नहीं रोक सकता। सारे क्वेश्चन जिस बंदे ने लगा दिए पिछले साल के, 10 साल के, इसके बाहर कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ लेना, अच्छे से कर लेना। अगर अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करना यार, मेहनत किया हूँ आपके लिए। आपका प्यार ही बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। कमेंट करके बताना और भी क्या रिक्वायर्ड है तुम्हें, जो तुम्हें लगता है कि भैया ये चीज़ें मुझे मिल जाए तो मैं, अभी ये दिक्कत आ रही है, आगे मैं अच्छा करूँगा। तो कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू यार।